एप्पल की पीसीज, एप्पल की बैट माशाल्लाह से। अब हम इसमें डालेंगे बटर एलजी, वरना इसमें भी लम्स बन। तुम फ्राटी कर ले। जुम्मा मुबारक। बदर कभी। शबाद गेट आपने देखा ही होगा। थोड़ा सा हिस्सा छोड़ के गई थी। मौसिन, ए मौसिन, सुरुट ब्लॉगिंग बना हो गया। चल प्याज काटने का टाइम हो गया, मिर्च काटने का। चल अभी सुबह नमाज के बाद सो जा। बाद में सही बात में उठ जा। हेलो गाइस, मैं उठ गया हूँ। इन लोगों ने उठा दिया, फिल्म देखी ली हुई आपने, बना रहे थे मेरी सोते से उठाने की फिल्म। अब क्या है कि इन्होंने वही कि किचन में जाओ काम करो ये, लेकिन इसी का मजा है जिंदगी में, कुछ सीखिए, कुछ बनाइए, कुछ करिए। फिलहाल हम जा रहे हैं बाजार, हमें कुछ सामान लाना है, कुछ दूध दूध कुछ लाना है ऐसा। वो लाने के बाद फिर किचन में जाकर कुछ स्टार्ट करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है गाइस, चलिए आइए। गाड़ियाँ टकरा रही हैं हमसे, कुछ लोग हमें मिल रहे हैं रोड पे। और देखिए ये अपनी गाड़ियाँ ले जा रहे हैं। भाई साहब क्या हाल है आपके, ब्लॉग में आ गए आप। शबाद गेट आपने देखा ही होगा, तो फिर देखा है तो फिर हटा देता हूँ, रहने मत देखो। ये ईदगाह का रोड, ये है ईदगाह। ये रामपुर की गलियाँ दिखा रहा हूँ, रामपुर की कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ आपको मैं, कोई दिखाएगा नहीं ऐसे आसानी से। नखरे घरे फालतू। ये देखो ये है ईदगाह, यहाँ पे ईद की नमाज होती है अंदर। यहाँ से थोड़े से हम जरा फुरटम फ्राटी कर लें, केला पहला ले लें, पकड़ लें, और फिर उसके बाद लेकर चलते हैं घर। अगर अनार खराब निकले से वापस है। और केले खराब निकले तो खा लेंगे। अरे केले क्यों, अनार के साथ ऐसा क्यों? आम आ गए हैं लेकिन अभी महंगे वाले हैं, अभी खा नहीं सकते हम लोग। बस भाई बस, यानी शबाद गेट से इधर का रास्ता आता है और ये बराबर में हमारे दोस्त की दुकान है माशाल्लाह से। वालेकुम अस्सलाम भाई। सरोज भाई एक पैकेट दूध निकाल दो। और हमारा दोस्त मुशर्रफ गायब है अभी। देखिए बेहतरीन माशाल्लाह हर चीज़ मिलेगी आपको यहाँ पर। भाई साहब ऐसी तैसी मार रखी है माशाल्लाह पूरी मार्केट में, बन के बन ब्रेडों की ब्रेड है, हैप्पीडेंट वाइट। तो ले लिया दूध हमने, चलो चलो चलते हैं फिर। तो हम घर आ चुके हैं और अब हम बनाएंगे कस्टर्ड पाउडर। आज हम बनाएंगे कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड। और भी तरह का होता है क्या? फ्रूट कस्टर्ड ही तो होता होगा। और ये फ्लेवर लिया है हमने केसर पिस्ता, तो केसर पिस्ता का हम बनाएंगे आज कस्टर्ड। आइए, आप कस्टर्ड पाउडर को गर्म दूध में नहीं मिला सकते, आप इसको ठंडे दूध में मिला सकते हैं, वरना आप इसको ठंडे पानी में मिला सकते हैं। आप इसको गर्म में मिलाएंगे तो इसके ना लम्स बन जाएंगे, लम्स। चलिए आप कस्टर्ड पाउडर को इस ठंडे पानी में डाल देते हैं। केसर पिस्ता है ये देखिए, कुछ इस तरह का ये नजर आएगा, हरे रंग का आपको। अरे वाह, मुझे बड़ी अजीब सी आई, अजीब सी आती है क्या? तो आइए दोस्तों, अब हम हमारे औटते हुए दूध में थोड़ा सा डालेंगे चीनी। तो हम इसमें डालेंगे 5 चम्मच चीनी, उसके हिसाब से हमने दूध लिया है। जब आप कस्टर्ड का जो लिक्विड है वो दूध में डालें तो आपको ध्यान रखना होता है कि आपका चम्मच रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए, वरना इसमें भी लम्स बन जाएंगे। और ये डाल दिया, ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा अगर आप इसमें हल्का सा खंगाल के 2 मिनट इसमें बचे हुए अक्स है वो भी डाल दो। और हमारे आज के कुकिंग स्टूडियो में हमारे खास मुअज्जिज़ मेहमान आए हैं जिनका नाम है नदीम। असल में इनको मैंने बताया कि हाँ हम कस्टर्ड बना रहे हैं, तो भागे भागे चले आए, कस्टर्ड वो तो मैं खाऊंगा, वो तो मैंने बहुत दिन से नहीं खाया है। तो ये आ गए तो हमने सोचा कि इनको अपने शो में ले लेते हैं। आप कस्टर्ड खाएंगे? बिल्कुल खाएंगे भाई। तो आइए दोस्तों, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चिरौंजी, बादाम और काजू, ये हम थोड़े थोड़े इसमें डालेंगे। और उसके बाद जब हम डाल दिया हमने, उसके बाद जब हम उसमें फ्रूट्स डालेंगे, उसके बाद फिर से ऊपर से गार्निश करेंगे ये ड्राई फ्रूट्स हम, ताकि वो मुंह में आए हमारे। अभी ये तो थोड़े अंदर से दब जाएंगे, थोड़े से पिघल जाएंगे। हम इसमें फ्रूट्स क्यों नहीं डाल रहे? क्योंकि हम खोलते भी दूध में फ्रूट्स डालेंगे तो फ्रूट्स पिघल जाएंगे। भदक अभी। ओहो नाइस भदक। तो अब वक्त आता है एग्स बनने का, काटने का फ्रूट्स। चलिए अब इसको हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में, सॉरी पार्ट्स में, जो भी इंग्लिश में कहते होंगे उसमें काट लेंगे। एक बनाना काट लेंगे हम इसके लिए। अब यहाँ हम थोड़े से ग्रापिस ले लेंगे और इसमें मैं आपको इसको कुछ देना चाहता हूँ, आप लोगों को कुछ देना चाहता हूँ। ये तो चाव खराब है, तो मैं ग्रापिस आपको कुछ देना चाहता हूँ आज इसमें, ठीक है? अरे यार सब देना मैंने इधर मिल गया। ए सरंगियो, ये आपके लिए, आप जो इतनी मोहब्बत से देखते हैं ब्लॉग्स वगैरह, ठीक है? अब हमें करना है क्या है, हमें ग्रेप्स को ना बीच में सब काट लेंगे, बीच में से अलग अलग कर देंगे एकदम, ठीक है? बीच में से अलग अलग कर देंगे, बीच में ऐसे। वो गलत था गाइस, मुझे किसी ने गुमराह किया था बताने के लिए कि ऐसे करना है, ऐसे करना है असल में। तो हमारे ग्रेप्स इस तरह तैयार हो जाएंगे। तो जब तक हमारा जो कस्टर्ड है वो ठंडा हो रहा है फ्रिज में रखा हुआ, ताकि हम उसमें फ्रूट्स डाल सके, तब तक आइए इस छतरे को हम हमेशा की तरह छीलने की कोशिश करते हैं। और हम छील के ही रहेंगे, एक मिनट। हेलो
मेरा ज़रूरी फ़ोन आ गया, तब तक तुम छीलो। तो अभी क्या है कि जब तक दूध ठंडा हो रहा है हमारा, वो कस्टर्ड जो तैयार हो ठंडा हो रहा है, उसमें फ्रूट्स तब डालें ठंडा होगा वो, तो क्या है ना, तक के इस शरबत में नींबू डाल दीजिए, निचोड़ दीजिए। अभी मशीन से निचोड़ेंगे तो आप कड़वाहट आ जाती है, इसलिए कह रहे हैं कि हाथ से निचोड़ा करिए, ताकत नहीं होती हाथों में ना, तो जिससे सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं उसे याद करिए आप। छोड़ के गई थी, तो इस तरह से आप नींबू नहीं छोड़ सकते, मजाक कर रहे हो भाई, कोई ऐसा छोड़ ओड़ के नहीं गई थी ज़िंदगी में, कभी ऐसा नहीं करा, अल्लाह का शुक्र है बहुत पाक साफ ज़िंदगी गुजारी है, अगर झूठ बोलो तो मेरी अभी हंसी छूट जाए। तो हमने इस कस्टर्ड का जो हिस्सा था थोड़ा सा हिस्सा निकाल करके फ्रीज़र में रख दिया था, ताकि वो ठंडा हो सके, ताकि हम जल्दी व्लॉग कंप्लीट कर सकें, वरना कहीं जाके ठंडा होता, कहीं जाके हम मनाते, कहाँ बात पहुँचती, हटो जा रहे हैं यार, ऐसा हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होने दिया, थोड़ा सा हमने कस्टर्ड हमारा ठंडा किया है फ्रिज में रख के, और हम इसको अब इसमें बनाएंगे, आपके लिए बनाएंगे, ये बाद में बनता रहेगा, बाद में ये लोग कर लेंगे, मेरे जो काम कर रहे हैं मेरे घर पे यहाँ पे लोग वो कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब इस कस्टर्ड को हम इस जार में लेते हैं, ताकि हम बना सकें अच्छे से थोड़ा सा हिस्सा इसका। अब इसमें हम डालते हैं फ्रूट्स, जो कि आपको पता है कि डालने चाहिए। देखिए पहले हम डालेंगे इसमें आपके ये क्या है, ग्रापिस, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं ग्रापिस, हिंदी में कहते हैं अंगूर। अब हम इसमें डालेंगे बनानास, इसमें डालेंगे हम हमारे प्रमिस ग्रेनेडिस्ट, यह है प्रमिस ग्रेनेडिस्ट, बहुत महंगी महंगा फल है ये प्रमिस ग्रेनेडिस्ट। अब इसमें हम डालेंगे छोटे छोटे एप्पल के पीसीस। मैंने सब देखा है कुकिंग चैनल्स को, ये सीख लेते हैं एप्पल की पीसीस, एप्पल की हट स्पून। अरे ये तो फन के आ गया बाहर, कोई बात ना, कोई बात ना, हो दो। बड़ा जबर हो गया है। अब इसको वक्त आता है गार्निश करने का फ्रॉम द ड्राई फ्रूट्स। ओके लेट्स गार्निश दिस, and this is ready, this is ready, our custard is ready, so let's get see the ready custard, but ab hum isko taste nahi kar sakte, jumma mubarak, aaiye ab isko bahar se tin tin karte, tin 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 te eh tha ajj da chhota sa video। तो आज असी ज़्यादा कुछ नहीं किया है, कस्टर्ड बना लिता है, टाइम थोड़ा बचाने की कोशिश की है, सोचा कुछ लाइट नू रखूँ मूड नू, ज़्यादा बड़ा बड़ी चीज़ ना बनावा, तो कस्टर्ड बना लिता, तुहानू दिखा दिता कि वे दिख रहा सी सड़ा कस्टर्ड, एंड टेस्ट करके वी विल फाइंड आउट हाउ इस टेडर या, एंड रिमेंबर वन थिंग, जेड़ा काम जिन्हों साझे दूजा करे तो ठेंगा बजता है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग च, कॉमेंट कर दिता, सबसक्राइब कर दिता, बैल आइकन दबा दिता, इफ़ यू कैंट डू दिस, इफ़ यू डोंट डू दिस, अगर आप ये नहीं करेंगे और तो क्या होगा, पंजाबी में कैसे बोलेंगे, तो मज़ा नहीं आऊँगा, सांस फूल गया पंजाबी बोल के। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपने सब कुछ करना है, ये कमेंट सब्सक्राइब कर दो, और क्या कहते हैं अगला क्या देखना है, रेसिपी क्या रेसिपी देखना चाहते हैं आप अगली, तो ये आपको लिखना है कमेंट में, तभी हम अगली रेसिपी पर बनाएंगे। किसी ने कस्टर्ड लिखा था तो हमने कस्टर्ड बना लिया है, ऐसे मिलते रहेंगे, क्या बोलूँ। ठीक है, तो ठीक है, यही है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ दिमाग आज काम नहीं कर रहा है, शायद मेरा सो के उठाऊँ ना इसलिए। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।